होमोजीनियस फंक्शन की पार्शियल डिफरेंशिएशन से बाय यूजिंग आलस। कल उस पर एक प्रॉब्लम थी, उसी पे एक प्रॉब्लम और है। अच्छा खासा सब ज्वाइन कर चुके थे फिर कनेक्शन। चलिए सो आलस होमोजीनियस फंक्शन के लिए था u इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस y। If u equals to this, then show that x del u by del x plus y del u by del y equals to 1 upon 2 sine 2. जैसे हमने कल किया था, now this function can be written as tan u equals to x square plus y square upon x plus and let this be equals to v. So v is the function of u and u is the function of x and y. So this implies that v is also the function of x and y. So v jo hai wo tan u ke equal bhi hai aur x square plus y square upon x plus y ke. When we write v equals to x square plus y square upon x plus y, then this shows that this is the homogeneous function of degree 2. ये 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है बिकॉज़ दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x 1 प्लस y बाय x। सो दिस मींस दिस इज x फंक्शन ऑफ y बाय x। यहां पे n जो है वो 1 है। सो दिस मींस v इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। सो बाय आइलर्स थ्योरम क्या हो जाएगा, x del v by del x plus y del v by del y equals to v. n into v होता है, n यहाँ पर 1 है। अब v equals to this thing का, तो चाहे हम इसको partially differentiate करके यहाँ पर बाद में रखें, इजी है हमें पास कि अगर हम ये ले लें कि v equals to then u. So मैम v by मैम आपने लास्ट क्लास में आइलर्स थ्योरम के बारे में नहीं बताया था। आइलर्स थ्योरम का प्रूफ कराया है? नो मैम नहीं कराया लास्ट क्लास में, खाली मैम पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ था। होमोजेनियस फंक्शन पे आइलर्स थ्योरम का प्रूफ कराया है बेटा। ओ अच्छा, कराया है कि नहीं? एक्सपेरिमेंट कराया था, कई क्वेश्चन भी कराया था। यस मैम, यस उस समय हट गई होगी, वरना क्वेश्चन भी कराया था, लेकिन थ्योरम बताई उसका प्रूफ कराया, उसके बाद एक क्वेश्चन कराया। ठीक, सो v इक्वल्स टू tan u, व्हेन वी हैव टू फाइंड tan u, दिस मींस कि del v by del। अब यहाँ से ये जो हमने लिखा हुआ है इक्वेशन 1 से, दिस शोज दैट v इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। सो दिस इंप्लाइज दैट v इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x एंड y। सब कुछ दिख रहा है यहाँ से, तो v इक्वल्स टू tan u है, दिस मींस कि वी हैव टू फाइंड del। अब पहले v जो है वो u का फंक्शन है और फिर u जो है वो x का फंक्शन है। Find del v by del x. जब हम x के रिस्पेक्ट में tan u को करेंगे, तो आएगा sec square u, और फिर u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो del u by del x. ये चीज समझ में आ रही है सबको? v equals to tan u है, u जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है, तो पहले tan u को किया, तो sec square u, और फिर u को x के रिस्पेक्ट में, चूंकि u दो वेरिएबल का फंक्शन है x एंड y, सो पार्शियल डेरिवेटिव del u by del x, सिंपली del v by del y करेंगे, तो v tan u को किया, तो sec square u, फिर u को y के रिस्पेक्ट में किया, तो del u by del y। तो v भी यहाँ पे x y का फंक्शन है, u भी x y का, इसलिए दोनों में पार्शियल डेरिवेटिव। Substitute the value of del v by del x and del v by del y
इन इक्वेशन टू. हम इक्वेशन टू में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. तो डेल वी बाय डेल एक्स एक्स सेक स्क्वायर यू डेल वी बाय डेल एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर यू डेल यू बाय डेल वाई एंड वी क्या है टेन. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें. सेक स्क्वायर यू कॉमन है x del u by del x plus y del u by del y. This is equals to 10u divided by sec square. So 10u को हम लिख सकते हैं sin u by cos u into cos square u divided by sec square u. Sec square is cos square. This means this can be as 1 upon 2 into 2 sin u. cos u जिस फॉर्म में हमें प्रूव करना है उसी फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं. दिस मींस 1 अपॉन 2 sin 2 सो सिंपल बिना कॉम्प्लिकेटेड पार्शियल डिफरेंशिएशन के वी हैव टू शो दैट कि दिस इज x del u upon del x plus y del u upon del y equals to 1 upon 2 sin अगर u equals to this thing, so that this thing. So by using Euler's theorem, we have to prove this. So Euler's theorem का use करके हम इस expression को आसानी से prove कर सकते हैं. समझ में आया सबको clear है? Yes ma'am. Yes ma'am. Now next है change of independent. Change of independent variable. So change of independent variable में this means कि मान लीजिए कि z is the function of x and y. ठीक. And z is the function of x and y, and x and y are another function of u and v. अब यहाँ पे क्या है कि z जो है वो x y का function है, x और y जो है वो u v के function. तो अगर z x y का function है, x और y u और v के functions हैं, so this implies that also the function of u and z जो है वो भी u v का function होगा. ये बात तो clear है. मैं ये z को यहाँ पर अलग तरीके से क्यों लिख रहा है, मतलब एक लाइन बीच में क्रॉस कर दी जा रही है. एक लाइन क्रॉस कर दी जा रही है मैम z में. मैम देखिए मैम बीच में आपने मतलब एक लाइन कट सी कर दी. हम z इसी तरह से बनाते हैं. ओके okay, ओके okay. जैसे बहुत से लोग 7 ऐसे लिखते हैं, बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं कि नहीं है ना. तो हम z को इसी तरह अलग तरह से नहीं बना रहे हैं, z ही है. ठीक ओके तो z equals to, अगर z x y का फंक्शन है, x and y जो है वो u और v के फंक्शंस हैं, then this implies that कि z is also the function of u and v. तो अभी जो हम लोग ने पढ़ा था इससे पहले में क्या था कि z अगर x y का फंक्शन है और x y सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है, तो वहां पे हम लोगों ने dx y dt और dy by dt कर दिया था. लेकिन अब यहां पे x और y जो है वो भी दो वेरिएबल्स के फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है. दिस मींस z इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y से चेंज होके इंडिपेंडेंट वेरिएबल u y में रिड्यूस हो रहा है. एंड so in this case x or y ke bhi total derivative na ho ke partial derivatives jo hain yahan par exist karenge kyunki x aur x aur y jo hai wo bhi function of u
वेरिएबल है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. जब हम तो दिस मींस कि वी हैव टू राइट डेल जेड बाई डेल एक्स. तो जब हम डेल जेड बाई डेल एक्स लिख रहे हैं तो दिस मींस जेड पहले किसका फंक्शन है, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं. तो दिस मींस कि व्हेन वी हैव टू राइट डेल जेड बाई डेल यू, डेल जेड बाई डेल यू, जेड जो है वो पहले एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स जो है वो यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं, यहां पे भी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू आएगा, प्लस जेड जिसका जिसका फंक्शन है. अब प्लस जो है वो एक्स और वाई दो का फंक्शन है, तो प्लस जेड बाई डेल वाई, एंड डेल वाई जो है वो फिर y जो है फिर u का फंक्शन है, तो del z y by del. अब यहाँ पे वेरिएबल x और y थे, अब यहाँ पे वेरिएबल u के टर्म्स में. सिमिलरली del z by del v लिखेंगे, तो z जो है वो पहले x का फंक्शन है, फिर x जो है वो v का फंक्शन है. यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो del x by del u, del y by del u था. अब यहाँ पे v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो del x upon del v plus del z upon del y and del y by del. So now y से वो रिड्यूस होके u v में हो गया है. दिस मींस del z upon del u and del z upon change independent variable x y change into new independent variable u and v. अब जैसे जितने समय अगर इसी को हम generalize करना चाहें, generalize करना चाहें कि when z is the function of x1, x2, x3 and so on, xn variable का function है, and जितने भी ये x i's हैं, वो u1 u2, u3 and so on, un variable के functions हैं. तो अब यही चीज क्या हो जाएगी, इसी को हम generalize करें. यहाँ पे दो के लिए लिखा हुआ था, यहाँ पे n के लिए लिखा है, तो हर एक के लिए z पहले xn का function है, तो xi is xn, this is true for every i. फिर xi जो है वो u1, u2, un के function है. Z, this implies that Z is also the function of U1, U2, U. So del Z upon del U1 क्या हो जाएगा? Z जो है वो पहले X1 का function है, फिर X1, U1, U1 का function. Yes. Del Z फिर X2 का function है, and X2 जो है वो फिर U2 का function. Plus जितने भी variables हैं सब add होते जाएंगे. Del x3 and del x3 फिर del u1 and so on. Plus del z by del xn and del xn जो है वो del u1. तो u1 के respect में कर रहे हैं तो सब जगह ये u1 के respect में partial derivatives. इसी तरीके से हर एक के रिस्पेक्ट में डेल जेड अपॉन डेल यू टू करें तो फिर क्या हो जाएगा, जहां यू वन है सिर्फ वो यू टू से रिप्लेस हो जाएगा. डेल जेड अपॉन डेल एक्स टू, डेल एक्स टू अपॉन डेल यू टू एंड सो ऑन, डेल जेड अपॉन डेल एक्स एन एंड डेल एक्स एन अपॉन डेल यू टू. चीज आप लोग को समझ में आई यहाँ तक कि नहीं? यस मैम, यस मैम. ये ध्यान रखना है कि किस वेरिएबल से हम किस वेरिएबल में
चेंज कर रहे हैं. दिस मींस यहाँ पे z जो था वो पहले x y का फंक्शन था पर u v का था. तो x y वेरिएबल से न्यू वेरिएबल u v में हम चेंज कर रहे हैं. सो दिस मींस कि del z by del u equals to del z by del x इसके रिस्पेक्ट में होगा उसमें पहले करेंगे, फिर दूसरा वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसके रिस्पेक्ट में वही पार्शियल डेरिवेटिव आएगा केवल जिसके रिस्पेक्ट में हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं. यहाँ पे del z by del u लिखा del x upon del u है, यहाँ पे del z by del v लिखा तो यहाँ हर जगह del x by del v और del y by del v है. generalized form में जब हम u1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x1 x2 x3 xn सब के पार्शियल डेरिवेटिव्स केवल विद रिस्पेक्ट टू u1 ही आएंगे. u2 के रिस्पेक्ट में करेंगे सब में u2 आएंगे. कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कार्टेशियन से पोलर में चेंज करते हैं. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है जैसे कि x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. आवाज सुनाई दे रही है सबको? Yes ma'am. Y equals to r sin theta and so and show that del x upon del r equals to del r by del x and 1 upon r del x by del theta equals to r del theta by del x and del 2 theta by del x 2 plus del 2 theta by del y 2 equals to 6. यह हमें प्रूव करना है. जब हम टोटल डेरिवेटिव कंसीडर करते हैं दिस मींस व्हेन सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x. हमें पता है कि dy by dx अगर फाइंड आउट करना है तो दिस मींस 1 अपॉन dx अपॉन dy. सो y by dx होता है अगर हम dx अपॉन dy फाइंड आउट करना है. लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव में वो चीज नहीं होती है. दिस इज dx अपॉन dy इक्वल्स टू upon dy by dx. ऐसे तो find out करते हैं dy by dx है तो अगर dx upon dy करना है तो 1 upon कर देंगे. लेकिन यहाँ partial derivatives में वो चीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे function of 2 या more than 2 variable का function है. अब यहाँ पे जो हमें relation दिया हुआ है shows that the x is the function of r theta and y is the function of r theta. So ye jo relation hame diya hua hai from this relation x equals to r cos theta and y equals to r sin theta. And this implies that x square by y square equal to x is the function of r theta and y is the function of r theta. And this expression also implies that r square equals to x square plus y square and or compare karte tan theta equals to y by x. This implies that r is the function of x and y and theta is also the function of x and y. Okay.
ये चीज समझ में आ रही है जो हमने लिखी है? अगर हम ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, हेलो यस मैम यस मैम x equals to r cos theta लिखा है, y equals to r sin theta लिखा है, then this implies that x equals to x is the function of r theta and y is the function of r theta and these two relation also implies that relation कि r square equals to x square plus y square and tan theta equals to y by x this implies that r is the function of x and y and theta is also the function of x and y. वो टंगा है r के इस वक्त में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट है सो दिस मींस डेल x बाय डेल r इक्वल्स टू cos थीटा डेल y बाय डेल r अब ये जो हमें डेल x बाय डेल r इक्वल्स टू डेल r बाय डेल x अब यहां से हम डेल r बाय डेल x निकालेंगे r स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2r del r by del x equals to 2x 2 is cancelled so this implies that del r by del x equals to x by r अब x by r अगर यहां से देखें तो x by r क्या है cos theta equals to cos theta है कि नहीं क्योंकि x equals to r cos theta So x by r equals to cos theta. So this shows that del x upon del r equals to del r by del x. So dono del x by del r equals to del r by del x. Excuse me, ma'am. बोलिए. मैम उत्कर्ष और कंचन को ज्वाइन कर लीजिए. वो ग्रुप पे मैसेज कर रहे थे. कंचन तो आया उत्कर्ष नहीं आया ओके मैम मैं उनसे बोलता हूँ सो डेल एक्स बाय डेल आर अब दिस शोस दैट डेल एक्स बाय डेल आर डेल बाय डेल नेक्स्ट टर्म इज शो करना है डेल एक्स बाय डेल थीटा 1 अपॉन आर डेल एक्स बाय डेल थीटा इक्वल्स टू आर डेल थीटा बाय डेल एक्स सो डेल एक्स बाय डेल This means we have to use this relation x equals to r cos theta. So x equals to r cos theta. And हमें show करना है del x by del theta. So यहाँ से theta के respect में differentiate करेंगे तो r constant. This is r sin theta. Next हमें find out करना है del theta by del x. So del theta by del x theta is x by y this means this relation tan theta equals to y by x so tan theta equals to y by x implies that theta equals to tan inverse y by x इसके बाद हमें शो करना del theta by del x so del theta by del x x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y एज अ कांस्टेंट tan इनवर्स को किया तो 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू फिर y बाय x को किया तो माइनस y बाय x स्क्वायर सिंपलीफाई कर लीजिए x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस y तो माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अब दोनों को इक्वल दिखाना है तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू आर साइन थीटा तो अगर हम यहाँ पे वाई की वैल्यू रखते हैं तो वाई इज आर साइन थीटा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर आर स्क्वायर कैंसिल हो गया दिस मीन दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा बाय आर अपॉन आर
this means R del theta by del x equals to minus sine theta. हमें show क्या करना है? 1 upon R del x by del theta. 1 upon R. 1 upon R del x by del theta equals to minus theta. So by 1 and 2, we see that 1 upon R del x upon del theta equals to R del theta by del x. शो करना था. ये ध्यान रखना है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. दिस मींस कि जब हम डेल एक्स बाय डेल आर निकाल रहे हैं, डेल वाई बाय डेल थीटा निकाल रहे हैं, तो ये रिलेशन डेल थीटा और डेल आर को लिख रहे हैं, देन वी हैव टू दिस रिलेशन. ये रिलेशन शो करता है कि आर इज दी फंक्शन ऑफ थीटा एक्स वाई, और ये रिलेशन शो करता है एक्स एंड वाई आर फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा. Del 2 theta by del x square plus del 2 theta by del y square. So del theta by del x means I'm going to call it y. Theta equals to tan inverse y by x. So del theta by del x is 1 upon 1 plus y square upon x square. X के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y as a constant, so y upon x square. So this is minus y upon x square plus y square. And this implies that the second derivative again differentiate partially with respect to x, so again y as a constant. So x square जब इसको करेंगे तो numerator constant है, तो 1 upon this means minus minus प्लस हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इनटू 2x. x स्क्वायर को करेंगे तो 2x. दिस मींस दिस इज 2xy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. समझ में आया ये डिफरेंशिएशन? सिंपल डिफरेंशिएशन की तरह करते हैं, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो y एज अ कांस्टेंट है. अब देखो y के रिस्पेक्ट में करते हैं, so del theta by del y, so x as a constant is 1 upon 1 plus y square upon x square into 1 by x. Y ko differentiate kiya to 1 and this is equals to kya aaya? X upon x square, x upon x square plus x square plus y square dot again second derivative y ke respect mein karte hain, so x as a constant, this is minus x upon x square plus y x square plus y square whole square plus y square, this means 2y, this means minus 2xy upon x square plus y square whole square, x square plus y square whole square. So y and 2 theta by del x this del 2 theta by del x square equals to 0. इन दोनों को ऐड कर दिया, we get 0. बात सही. यही चीजें हमें यहाँ पर, यही तीनों चीजें हमें यहाँ पर प्रूव करनी थी, जबकि ये रिलेशन हमारे पास गिवन था. ठीक है, सो दीज आर द चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम वन वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल. नाम उत्कर्ष का भी ऐड कर लीजिए. आया नहीं था बेटा अभी तक, उत्कर्ष आया नहीं बेटा, इसमें आ ही नहीं रहा है. ठीक है फिर मैम, बोलती हूँ मैं उसको. हाँ उत्कर्ष शो नहीं हो रहे हैं, कंचन तो आई थी उसके बाद उत्कर्ष नहीं आ रहा है. सिमिलरली
x equals to e to the power u plus e to the power minus v, and y equals to e to the power u. If z is a function of x and y, if z is the function of x and y, and if x equals to this and y equals to the power minus u minus e to the power v. आकाश आए हैं तो उत्कर्ष तो नहीं है मैम, शायद नेटवर्क इशू होगा उसकी तरफ से। मेबी आकाश, आकाश ने भी ज्वाइन किया है, बाकी उत्कर्ष नहीं शो रहे हैं। इफ बाय माइनस वी देन प्रूव दैट डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी इक्वल्स टू एक्स del z by del x, del z by del x minus y, del z by del y. So now here, z is the, this shows that z is the function of x and y. ठीक हो जाएगा। अब आए क्लास के खत्म होने के टाइम। चलिए z x y now here given that if z is the function of x y and x and y are given by this thing then we have to prove that this thing. So now here z is the function of x y and this shows that the x and y are the functions of u and v. जाएगा आसान है तो डेल जेड बाय डेल एक्स एंड वाई जो है वो यू वी के फंक्शन है तो हमें ये शो करना है तो दिस शोस दैट कि अगर जेड एक्स वाई का फंक्शन है एक्स एंड वाई जो है वो यू वी के फंक्शन है तो जेड इज आल्सो द फंक्शन ऑफ यू वी अब एक्स और वाई अगर हम यहां से लिखना शुरू करें कि जेड इज द फंक्शन ऑफ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल किया था हमने तो z जो है वो पहले x का फंक्शन है और फिर x जो है वो u का फंक्शन है प्लस del z by del y z जो है पहले y का फंक्शन है और फिर y जो है वो u का फंक्शन देन वी हैव टू फाइंड द del z upon del u सिमिलरली z जो है del z by del v find out करते हैं z जो है वो पहले x का function है and then x जो है वो v का function है plus z जो है पहले y का function है और फिर y जो है वो v का function अब हमें x u v के function में given है यहाँ पे value substitute कर दें del z upon del x into del x by del u x यहाँ पे पता है u के रिस्पेक्ट में उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा e to the power e to the power u del x by del z del z by del y e to the power u plus del z by del y minus e to the power minus y by del u करेंगे del y तो minus e to the power minus u minus यहाँ पे del z by del x अब कौन ज्वाइन कर रहा है क्या मतलब है अब इस समय ज्वाइन करने का सत्येंद्र e to the अब del x by del v so del x by del v this means power minus v plus del z by del y अब del y by del v करेंगे तो क्या आएगा minus ये चीज समझ में आ रही है सबको yes ma'am yes ma'am find
अब क्या करना है, डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वाई को दोनों को सबट्रैक्ट कर दें। बिल्कुल सही है, डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल सबट्रैक्ट कर दीजिए, सेम कोएफिशिएंट को एक साथ लिख लीजिए, डेल जेड बाय डेल e to the power u minus e to the power minus u minus एक मिनट, माइनस भी है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस, हाँ माइनस, यहाँ पे चेक क्या आ जाएगा, डेल जेड बाई डेल वाई कॉमन हुआ, तो माइनस कॉमन लिया, तो e to the power माइनस u माइनस माइनस प्लस एंड माइनस e to the power, तो अब ये किसकी वैल्यू है, e to power u plus e to power minus v x की वैल्यू है, del z by del x minus ये किसकी है, y की वैल्यू है, y del z by del close that del z upon del u minus del z upon del u तो मेन यहाँ पे क्या चीज थी, ये अगर ये आपको पता है z is the function of u x and y and x y is the function of u then this expression can be written as in this form then you have to easily prove this thing है ना, कि तब आप आसानी से अगर आपको ये वाला relation पता है तब आप इस proof को अच्छे से try कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत नहीं बोल पा रहे हैं, जहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो कुछ। मैम मैम एक बार आयलर्स थ्योरम की डेफिनेशन बता दीजिए प्लीज, मेरा कल मिस हो गया था। आयलर्स थ्योरम कहती है कि अगर फंक्शन u जो है वो होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x एंड y है, होमोजेनियस फंक्शन दिस मींस कि u के हर एक एक्सप्रेशन में x और y की डिग्री जो है वो दोनों के सम की डिग्री जो है वो सेम है, जैसे u equals to x square plus 2xy plus y square, यहाँ पे हर एक टर्म में x y की डिग्री 2 है, यहाँ पे x 2, x और y की मिलाएं 2, y की 2, so this means u is the homogeneous function of degree 2, तो अगर u जो है इसी तरह से homogeneous function of degree n है, then x del u by del x plus y del u by del y equals to nu होता है, ठीक है, this means कि अगर u homogeneous function x y में nth डिग्री का है, a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1 y, plus a2 x to the power n minus 2 y square plus so on, plus an y to the power n, then this expression can also be written as x to the power n a naught plus a1 y by x plus a2 y by x whole square plus a1 y by x plus a2 x to the power n y by x. So this means this homogeneous expression can also be written as in this one. So this is the homogeneous function of degree n. Sub x y sub degree n. Some questions will be there. So I will say that y x will be upon the x plus y will be upon the y plus 2. And you. This is just the 3 ka ho, 4 ka ho. Sub ke mein ho. Tam us ke sum ke. Okay ma'am. Thank you so much. चलिए अगर क्लास सेट होगी तो नेक्स्ट वीक देखते हैं क्या है, अभी दूसरी वीक के लिए ऑनलाइन था। थैंक यू मैम, ओके।